नमस्कार फ्रेंड्स, फैमिली जायका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मटर और आलू के कटलेट्स, जिसके लिए हमने यहाँ पर आलू को बॉईल कर लिया है और यहाँ हमने ये मटर ली हुई है एक कप के करीब, इसको भी हमने बॉईल कर लिया है। सबसे पहले अब हम इसे अच्छी तरह से पीस लेंगे। तो देखिए, मटर को हमने पीस के रेडी कर लिया है। आइए अब हम इसमें आलूओं में अपने बाकी की चीजें ऐड करते हैं। ये हमने हरी मिर्च ली हुई है बहुत फाइनली चॉप करके, वो ऐड करेंगे। यहां हमने अदरक लिया हुआ है ग्रेट करके, वो ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून के करीब चाट मसाला लिया हुआ है, वो ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून ही लाल मिर्च पाउडर लिया हुआ है। कोई भी चिली आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। काली मिर्च का पाउडर लिया हुआ है, ये भी हाफ टी स्पून है, ये इसमें डाल देंगे। भुने जीरे का पाउडर है हाफ टी स्पून के करीब, वो डाल देंगे। साबुत जीरा लिया हुआ है हाफ टी स्पून, वो डालेंगे। जीरे का क्रंच बहुत अच्छा आता है इसमें। नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, जो हमने ये पेस्ट बना रखा है मटर का, वो ऐड कर देंगे। साथ ही हमने यहां पर बहुत फाइनली चॉप करके प्याज ली हुई है, वो इसमें ऐड करेंगे। अब हमें इस सारे मिक्सचर को अच्छी तरह से मैश करते हुए मिक्स करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। अब हम इसके कटलेट्स बनाना तैयार करते हैं। आप जिस साइज और शेप के बनाना चाहें आप वैसे बना सकते हैं। मैं यहाँ पर छोटे और गोल कटलेट्स बना रही हूँ। अब हम इसे ब्रेड क्रम्ब में डिप करेंगे और अच्छी सी कोटिंग देंगे इसको। और इसे एक सेपरेट प्लेट में रख देंगे इस तरह से। इसी तरह से हम अपनी सारे कटलेट्स बना लेंगे। देखिए, हमने अपने कटलेट्स इस तरह से रेडी कर लिए हैं। अब हम इसे 10-15 मिनट के लिए रेफ्रिजरेट करेंगे। तो देखिए, हमारे कटलेट्स रेफ्रिजरेट हो चुके हैं 15 मिनट के लिए। यहाँ हमने तेल चढ़ा दिया है कटलेट फ्राई करने के लिए। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें धीरे धीरे करके अपने सारे कटलेट्स फ्राई कर लेंगे। देखिए, हमारे कटलेट्स फ्राई हो गए हैं। अब हम इसे एक प्लेट में सेट कर देंगे। तो देखिए, हमारे मटर और आलू के कटलेट्स बिल्कुल रेडी हैं। इसे आप केचप, चटनी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। हमने इसे डीप फ्राई किया है, आप इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।